इस कीर्तन को अपना ये साउंड का जो स्वरूप है ये आपके बीच रखकर जितनी भी मदद इनसे हो सकती है वो इस कीर्तन में करते हैं। आपके परिवार के सदस्य हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हाँ जी, एक बार महसूस हो कि कानपुर की धरती पर श्री श्याम जी मित्र मंडल का कानपुर का महोत्सव, उसमें हम बैठे हैं, एक बार आपकी करतल ध्वनि से पता चले कि कितने लोग वाकई में श्री श्याम जी मित्र मंडल के कानपुर महोत्सव में बैठे हैं। ऐसे नहीं, जरा उन्होंने हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां इस दरबार के लिए, इस श्रृंगार के लिए, इस दातार के लिए, दोनों हाथ खड़े करके एक जयकार बोलिए, लीले जय हो। मन मचल कर मोर होना चाहिए, भजनों का और दौर होना चाहिए, सुनाएंगे बहुत से भजन आज बाबा को, बस आपकी तालियों में थोड़ा जोर होना चाहिए। राजपारिक तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जाता है कानपुर की मिसाल देता है, कानपुर के इस उत्सव की मिसाल देता है, आप भक्तों की मिसाल देता है कि बाबा अगर ये मैं कहता हूँ दावे से आपका होकर पूरे हिंदुस्तान में, कि अगर फागण की 11 पर भी आप कानपुर श्री श्याम जी मित्र मंडल का कीर्तन रख दो, ये मेरी गारंटी है, चाहे थोड़ी देर के लिए आए लेकिन मंदिर छोड़कर बाबा इस प्रांगण में आता है। भागण की 11 निज 11 पर भी ये ताकत है इस दरबार की। मंदिर में बंद हो गया साहब, मंदिर का विस्तार हो गया, मंदिर में बंद हो गया, लेकिन आज भी इस दरबार की खासियत है वो बैठा बाबा और वो बैठे बाबा के दो परम भक्त। एक जयकार बोलिया, कहते के साथ रोंगटे खड़े होते साहब, बोलिए आलू सिंह जी महाराज की। कहते थे आलू सिंह जी, प्रभु का सच्चा दरबार है, जो भी ध्यावे सच्चे मन से उसका बेड़ा। तेरा नाम बोल के रुक जाता हूँ, सरेआम बोल के रुक जाता हूँ, मुसीबत अपने आप भाग जाती है जब मैं जय श्री श्याम बोल के रुक जाता हूँ। हाँ जी, क्या आपको आना है इधर? नहीं लाला, नहीं लाला, नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं बेटा, प्लीज बेटा बैठ जाओ। क्या करना है आपको इधर आके? ऐसा नहीं, देखो क्या हुआ है बेटा। अरे नहीं लाला, नहीं प्लीज, हाँ सुनाऊंगा, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ प्लीज। ऐसे भावों के लिए एक बार बजाओ तालियां, क्या हुआ? पीछे पूरा प्लीज, आराम से, आप जहाँ थे वहाँ कंफर्टेबल थे, आगे आने से बेड़ा गरक ही होता है, अच्छा कुछ नहीं होता। क्या बात है मुकेश भैया? हाँ जी, अपने परिवार के बीच बैठा हूँ, अपने लोगों के बीच बैठा हूँ, तो आपको मैं गोपाल भैया, सरावगी जी, अनुपम भैया, अनुपम जी प्लीज़, अगर मैनेजमेंट बाबा देख लेगा, अब मैंने आप इतने महीनों से मैनेजमेंट ही देख रहे हैं, अब कीर्तन करेंगे, मेरा विनम्र निवेदन, एक बार अनुपम भैया के लिए जोरदार तालियां, जोरदार प्लीज़ दोनों हाथ खड़े करके, ये पूरा परिवार, ये जितने श्याम जी मित्र मंडल का एक एक सदस्य, संजय खेमका भैया प्लीज़ आप सभी दरबार में आ जाएं एक बार इस पूरे परिवार के लिए। देखो श्याम जी मित्र मंडल के इतने मेंबर हैं, जितने भी, इतनी मेहनत, ये देखो ऐसे लग रहा है जरूरत पड़ने पर नीम भी किसी चंदन से कम नहीं, आज श्याम जी मित्र मंडल का दरबार किसी खाटू और वृंदावन से कम नहीं। बहुत मेहनत करते हैं, बाबा नजर ना लगाए, आप लोगों पर बहुत कृपा रहे, ये दरबार यूं ही चमकता रहे। शुरुआत कर रहा हूं, बहुत से देवी देवता विराजित हैं दरबार में, थोड़ी थोड़ी हाजिरी सबकी लगाएंगे, आपका साथ चाहिएगा जितनी देर गाऊंगा उतनी देर, उसके बाद बाबा शाम के भजनों की ओर चलेंगे, जैसी बाबा की मर्जी, जैसा वो गवाएगा वैसा गाएंगे। कौन कौन तैयार है कमर कस के? हाँ जी, साल भर 364 दिन इंतजार किया, आज 365वां है। हाँ जी, जरा दोनों हाथ ऊपर, कमर कस के जरा दोनों हाथ ऊपर, देखो जो बाबा से बड़ा है यहाँ पर, जो बाबा से बड़ा है उसके हाथ नीचे रहे, जो बाबा से छोटा है सारे हाथ ऊपर, सारे के सारे
एक बार बाबा के नाम की जय घोष, जोरदार बोलिए खाटू नरेश की जय। आइए शुरुआत करें गणेश जी महाराज की वंदना के साथ, उसके बाद जैसे बाबा की इच्छा। एक ताली हमारे म्यूजिशियंस भाइयों के लिए, जोरदार जोरदार तालियां। क्या बात, क्या बात,